हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना प्योरली हैंडक्राफ्टेड हॉल, जो भी मैंने उनसे ज्वेलरी खरीदा है मैं आज आप सब से शेयर करने वाली हूँ उसका प्राइस और जो भी उनकी ड्यूरेबिलिटी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को हिट कर दो। पहले मैं आपको प्योरली हैंडक्राफ्टेड के बारे में बता देती हूँ। प्योरली हैंडक्राफ्टेड इज अ इंस्टाग्राम पेज जो कि हमें प्रोवाइड करता है सारी हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, और उनके पास ज्वेलरी के अलावा और भी बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें हैं जो कि आप कस्टमाइज करवा सकते हो अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने बजट के अंडर आपको जो भी चीजें पसंद है आप अपने प्रोडक्ट में वो एड करवा सकते हो, और जितना भी आपका बजट है आप उसमें भी ले सकते हो। प्लस आप उनसे रेडी टू वेयर प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो, लाइक अगर आपको हैंडक्राफ्टेड चीजें नहीं करवानी है, आप चाहते हो आप बस अपना प्रोडक्ट खरीदो ऑर्डर करो और आपको 5-6 दिन में मिल जाए और आपको पहनना है, आप वो भी उनसे करवा सकते हो। मुझे तो स्पेशली इतनी ज्यादा पसंद है हैंडक्राफ्टेड चीजें, मुझे एक बार कोई बोल दे कि भाई हाँ उस पेज में मिलता है मैं डेफिनेटली हर चीज ट्राई करूंगी उनके पेज की। सो बिना टाइम गवाए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी प्रोडक्ट रिव्यूइंग। तो आज के वीडियो में सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट्स होंगे, ज्यादा मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो भी मैंने यूज नहीं किया और जो मैंने यूज किया मैं सिर्फ उन्हीं को रिव्यू कर रही हूँ अभी तक। तो सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट है ये ब्रेसलेट जो कि मैंने उनसे कस्टमाइज करवाया था और ये मुझे मिला था 70 रुपीज में, और ये प्रॉपरली ऐसे खुल जाता है, थ्रेड के साथ आता है और इसे मैं नॉर्मली पहनकर अपने ही साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हूँ। इसका एमआरपी है 70 रुपीज और ये आपने मेरी प्रीवियस बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने पहना हुआ है, एंड ट्रस्ट मी ये मुझे बहुत पसंद है और इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मेरी चॉइस की चीज मिल रही हो तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी किसी को कि आप बिल्कुल मत खरीदो, आप जरूर उनका पेज जाके चेक करो इस चीज के लिए। नेक्स्ट थिंग जो मैंने उनके पेज से खरीदा था ये नेकलेस, इट्स अ पर्ल नेकलेस और इसका एमआरपी है 350 रुपीज और ये मुझे इतना पसंद आया था पहली लुक में ही, आप खुद बताओ पहना कितना क्यूट लगता है और ये मुझे बहुत पसंद है। और देखा जाए तो इनके पर्ल का क्वालिटी इतना अच्छा है, लाइक पानी हो या स्वेटिंग हो तो इसके पर्ल से जरा भी पेंट नहीं निकलता, इवन मैं स्क्रैच भी कर रही हूं तो भी ये खराब नहीं हो रहे हैं, और सच में पर्ल का क्वालिटी और चेन का क्वालिटी बहुत अच्छा है। इवन देखा जाए तो मेरे 350 रुपए वसूल हो गए हैं इस प्रोडक्ट में, तो वन मोर मुझे बहुत पसंद आया था ये प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट थिंग आर दीज इयररिंग्स और ये रेडी टू वेयर इयररिंग्स है, लाइक उनके पास हैंडक्राफ्टेड ऑप्शन भी था लेकिन मुझे जल्दी जल्दी में कुछ चाहिए था जो मैं फटाफट पहन सकूं और पहन के निकल लूं, तो ये इयररिंग्स इनका प्राइस है 300 रुपीज एंड ट्रस्ट मी ये जरा भी हैवी नहीं है, ये इतने लाइट वेट है, इतने प्यारे लगते हैं पहने हुए, आई थिंक अबाउट इतना आता है ये 6-7 इंचेस इनका लेंथ है और ये इतने प्यारे लगते हैं आपकी कुर्ती के साथ पहने हुए या फिर इंडो वेस्टर्न लुक के साथ, ये इयररिंग इतने परफेक्टली जाते हैं एंड ट्रस्ट मी ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा, मैं किसी भी अटायर के साथ इन्हें टीम अप कर सकती हूँ और ट्रस्ट मी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट थिंग इज दिस इयररिंग एंड ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये वाला इयररिंग और ये वाला इयररिंग मैंने साथ में ही खरीदे थे, आज मैंने आपको बताया कि मुझे उस टाइम पे जरूरत था रेडी टू वेयर का क्योंकि मैं कस्टमाइज इतना टाइम नहीं लगा सकती थी, तो ये दोनों इयररिंग मैंने साथ में खरीदे थे और इसका एमआरपी है 250 रुपीज एंड ट्रस्ट मी इसका मेटल इतना अच्छा है, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया हो तो मैंने ये इयररिंग्स पहने हैं और इतनी बार मैं इसे पहन चुकी हूँ, इनका मेटल जरा नहीं निकला और ऐसा भी नहीं है कि पहन के मेरे कान दुख रहे हों, ये इतने प्यारे लगते हैं पहने हुए, ये हर तरह के इंडियन ट्रेडिशन ड्रेस के साथ इतने सूटेबल लगते हैं और जरा भी कान नहीं दुखता है। जिन लोगों को स्पेशली प्रॉब्लम होता है ना आर्टिफिशियल नहीं पहन सकते हैं, मुझे भी है, मैं भी ज्यादा नहीं पहन सकती हूँ, पर इस इयररिंग के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया ऐसा, क्योंकि आई थिंक ये ब्रास है, ये प्योर मेटल है, कोई नॉर्मल अलॉय नहीं है, तो ये मुझे बहुत पसंद आए थे और इससे जरा भी मेरे कान नहीं दुख रहे थे, तो मेरी तरफ से तो इसको बिग यस है।
और उसके बाद मेरी पूरी थीम का लास्ट और फेवरेट प्रोडक्ट ये आपने मुझे ऑलरेडी वीडियो में पहने देखा भी होगा और ये मुझे इतने पसंद आए थे इतने ज्यादा कि इवन मैं इन्हें घर पे पहन के घूमती हूँ और अभी से मैं पहन के उतारने नहीं वाली हूँ। और मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि ये हैंडक्राफ्टेड है, ये उन्होंने खुद बनाए हैं और इसका MRP है 150 रुपीज एंड ट्रस्ट मी इस पर खर्चा एक एक पैसा मेरा वसूल हुआ है। ये मुझे इतने पसंद आए थे और इसे सच में इतने ज्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले थे इस इयररिंग के लिए, मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरे फेवरेट वाले इयररिंग हो गए हैं जब से ये आए हैं। कोई भी अगर पिंक कलर का अटायर मैं ढूंढ रही होती तो मेरे माइंड में यही होता है कि मुझे इसके साथ पहनना है। और ये इतने प्यारे लगते हैं, ये हर तरह की ड्रेस के साथ चले जाते हैं, चाहे वो इंडियन हो, ट्रेडिशनल हो, एथनिक हो या फिर वेस्टर्न आउटफिट हो, ये हर तरह के साथ मैच करते हैं और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो ये थे सारे मेरे आज के प्योरली हैंडक्राफ्टेड हॉल के प्रोडक्ट्स जो कि मैंने उनसे खरीदे और अभी रिव्यू किए। और सभी ही चीजें मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, सभी ज्वेलरी आइटम्स इतनी ज्यादा पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ अपने प्रोडक्ट के साथ क्योंकि मुझे उनमें कोई भी अभी तक डिफेक्ट फेस करने को नहीं मिला है। उनका क्वालिटी इतना इम्प्रूव्ड है, बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको जरूर सजेशन दूंगी कि एक बार जाके आप उनका पेज चेक करें और इनकेस अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं डेफिनेटली जरूर खरीदें। इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उनकी हैंडक्राफ्टेड स्टफ लाइन जो है वो आप ज्यादा प्रेफर करो क्योंकि आई अंडरस्टैंड रेडी टू वेयर चीजें मार्केट में भी मिल जाती है लेकिन ऐसी यूनिक चीजें हर जगह नहीं मिलती, ये एक माइंड ही बना सकता है। तो सच में ये मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी जरूर कि आप जाके उनका पेज जरूर चेक करें और अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें। लेकिन खरीदने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं मेक श्योर आप उन्हें 15-21 डेज का टाइम दें क्योंकि ये सारे हैंडक्राफ्टेड हैं और इन्हें बनने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर देंगे और 4-5 दिन में प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा क्योंकि इन्हें बनने में टाइम लगेगा। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ही हैं जो वो पेज चलाते हैं और आप लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे उनकी एजुकेशन के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप उनका हैंडक्राफ्टेड स्टफ जरूर देखें क्योंकि ये बहुत अमेजिंग है। मैं 100% आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर जाओ, जरूर चेक करो और जरूर शॉप करो। बट हाँ, आपको उन्हें टाइम देना पड़ेगा तो टाइम जरूर देना क्योंकि हर चीज बनने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू प्लस हॉल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को हिट कर दो। अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।